प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी जिला हमीरपुर में एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की जमा दो की परीक्षाओं में अपना दमखम दिखाया है। परीक्षा बोर्ड जमा दो की आर्ट्स में हमीरपुर जिला के महाराजा संसार चंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुजानपुर की छात्रा अक्षिमा ठाकुर ने पूरे हिमाचल में टॉप किया है। पहले स्थान पर रहने पर अक्षिमा ठाकुर ने बहुत खुशी जाहिर की है। अक्षिमा ठाकुर का सपना IAS ऑफिसर बनना है। अक्षिमा के पिता संजीव जम्बाल जिला चंबा में बतौर प्रिंसिपल के पद पर तैनात हैं, तो माता दीक्षा जम्बाल भी भाषा अध्यापक के पद पर तैनात हैं। अक्षिमा ने 95.8% अंक लेकर पूरे प्रदेश में आर्ट्स में टॉप स्थान हासिल किया है। अक्षिमा ठाकुर का कहना है कि टॉप पर रहने पर बहुत खुशी हो रही है और स्कूल के अलावा हर विषय में अलग से एक एक घंटे पढ़ाई करती थी। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय प्रिंसिपल और माता पिता को दिया है। अक्षिमा का कहना है कि तनाव नहीं लेना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। उसका श्रेय मैं अपने आर्ट्स के सभी टीचर्स को देती हूँ और अपने प्रिंसिपल सर और अपने पापा को। क्या आप जानते थे कि आप इस मुकाम को हासिल कर सकते थे? हाँ जी। कोई स्पेशल तैयारी? स्पेशल तैयारी तो पढ़ाई थी। दिन के स्कूल के बाद जाके सभी एक सब्जेक्ट को अपना अलग टाइम दिया, एक आध घंटा। तो इसके बाद इतनी मेहनत की एग्जाम के लिए, तो उसके बाद इसी मुकाम पे पहुंची हूँ। क्रेडिट प्रिंसिपल सर को, अपने टीचर्स को और अपने पापा को। मेरा ये मैं IAS ऑफिसर बनना, मूल मंत्र तो यही है, पढ़ो और साथ में इतनी टेंशन मत लो, मजे करो बस। अक्षिमा ठाकुर की माता दीक्षा जम्बाल का कहना है कि बड़े गर्व की बात है कि बेटी टॉप पर आई है। उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि बड़ी खुशी की बात है और बेटियां हो तो ऐसी। सर बड़ी खुशी का दिन है हमारे लिए और मैं बोलती हूँ बेटियां हो तो ऐसी हो। सर उम्मीद तो पूरी थी लेकिन ये नहीं सोचा था कि टॉपर हो जाएगी, यही सोचा था टॉप 5th में आ जाएगी, लेकिन टॉपर है, बड़ी खुशी की बात है। वहीं अक्षिमा की दादी ने भी खुशी जताते हुए कहा कि अक्षिमा की मेहनत रंग लाई और बहुत खुशी है। उन्होंने कहा कि इस जगह पर आने पर सारा परिवार खुश है और खुशी के मारे आंसू निकल रहे हैं। अक्षिमा दे टॉपर होने दे, इसा जगह हाँ ता पहुंचे जे इसा दी मेहनत ने और हमें बहुत बहुत खुशी है, खुशी से मारे आंसू आ रहे हैं। खुशी का दिन है आज, मैं ये सारा श्रेय प्रिंसिपल मैडम डायरेक्टर सर और पूरे स्टाफ को देता हूँ। ये हमेशा बच्चों के बारे में सोचते रहते हैं और टीचर्स सभी इतनी मेहनत करवाते हैं और आज उसका रिजल्ट जो है वो हमारे सामने है। मैं उनको, उनके परिवार को, अक्षिमा के परिवार को अपनी तरफ से, स्टाफ मेंबर की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वही स्कूल के दिनेश गुप्ता प्रबंधक का कहना है कि आज खुशी का दिन है और सारा श्रेय पूरे स्टाफ को जाता है। उन्होंने कहा कि अक्षिमा के टॉप पर रहने पर पूरे स्कूल में खुशी का माहौल है। खुशी का दिन है आज, मैं ये सारा श्रेय प्रिंसिपल मैडम डायरेक्टर सर और पूरे स्टाफ को देता हूँ। ये हमेशा बच्चों के बारे में सोचते रहते हैं और टीचर्स सभी इतनी मेहनत करवाते हैं और आज उसका रिजल्ट जो है वो हमारे सामने है। मैं उनको, उनके परिवार को, अक्षिमा के परिवार को अपनी तरफ से, स्टाफ मेंबर की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उधर विज्ञान स्काय में जमा दो की परीक्षा में पूरे प्रदेश में 9वें स्थान पर ब्लू स्टार सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमीरपुर की छात्रा ने स्थान पाया है। मैत्री खन्ना के 9वें स्थान पर रहने पर ब्लू स्टार स्कूल में मिठाइयां बांटी गई और इस अवसर पर माता पिता ने भी अपनी बेटी के मेरिट में रहने पर खुशी जाहिर की। मैत्री खन्ना की माता ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि मेहनत रंग लाई है। उन्होंने कहा कि मेहनत से सब कुछ मिल पाता है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी इंजीनियरिंग करना चाहती है ताकि कंप्यूटर साइंस क्षेत्र में कुछ बन सके और बहुत खुश है वो अपनी सफलता से और काफ़ी मेहनत करी बच्चे ने यहाँ पहुँचने के लिए, मुकाम पर पहुँचने के लिए। अपनी मेहनत से ही, अपनी लगन से ही वो ये सब अचीव कर पाई है, तो हमें भी बहुत खुशी है। पेरेंट्स की तो यही कोशिश होती है कि बच्चे अच्छा करें, आगे बढ़े, जिंदगी में अच्छा मुकाम हासिल करें, तो हम भी इसकी सफलता से बहुत खुश हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आगे भी वो अच्छा ही करेंगे। अपने टीचर में वो वैसे इंजीनियरिंग करना चाह रही है अच्छी इंस्टीट्यूट से, तो उसके लिए भी कोशिश कर रही है। तो देखिए इंजीनियरिंग में उसका इंटरेस्ट है कंप्यूटर साइंस करने के लिए, तो बस उसी में लगी हुई है। वहीं प्रदेश में साइंस में दूसरे स्थान पर रही समृद्धि सहगल ने भी मेरिट में स्थान पाया है। समृद्धि सहगल के पिता राकेश सहगल ने भी अपनी बेटी के मेरिट में आने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इस सफलता के पीछे अध्यापकों की भी काफी मेहनत रही है जो कि आज रंग लाई है। उन्होंने कहा कि बेटी इंजीनियरिंग करना चाहती है।
बोर्ड एग्ज़ाम में दूसरे नंबर पे आई है और लड़कियों में प्रथम स्थान पर है। इसमें इसने जो मेहनत की है इसको इसका फल मिला है। इसकी मेहनत के साथ इसके जो अध्यापक हैं उनकी जो मेहनत का फल है वो इसको मिला है और इसकी मेहनत रंग लाई। लड़की किस फील्ड में इंटरेस्ट है जाने का? अभी ये इंजीनियरिंग करना चाहती है, उसके बाद मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहती है। इंजीनियरिंग या इसके अलावा ये सब मेडिकल या नहीं? इसने नॉन मेडिकल में प्लस टू किया तो इंजीनियरिंग ही कर रही है। ब्लू स्टार प्रिंसिपल डॉक्टर सुमनलता का कहना है कि इस बार पूरी उम्मीद थी कि मेरिट में छात्र स्थान पाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरिट में दो छात्राओं के आने पर पूरे स्कूल में खुशी का माहौल है। उन्होंने कहा कि बच्चों की मेहनत रंग लाई है जिससे आज मेरिट में स्थान पाया है। ये तो यकीन था कि हमारे तीन चार बच्चे मेरिट में आएंगे, तो बाई चांस उनके थोड़े से मार्क्स 5-5, 7-7 कम रह गए। अदरवाइज हमारे चार बच्चे मेरिट में आने वाले थे, तो दो बच्चे आए हैं। इनके लिए मैं बहुत खुश हूँ और बहुत सारी मुबारकबाद मैं पेरेंट्स को देती हूँ और बच्चों की मेहनत देती हूँ। और ये दोनों बच्चियाँ ऐसी थी कि जो स्कूल में इन्होंने पढ़ना, घर में बहुत ज्यादा टाइम जो स्टडी को देते, तो पेरेंट्स से हम लोग इन टच रहते थे, तो पेरेंट्स इनके बताते थे कि घर में वो बहुत ज्यादा मेहनत करते थे और स्कूल में भी वो कभी भी मिस उन्होंने स्कूल नहीं किया और हमेशा स्कूल में डिवोशन से ही काम किया। ब्लू स्टार स्कूल के प्रिंसिपल विकास दीक्षित का कहना है कि पिछले काफी सालों से स्कूल शिक्षा क्षेत्र में अव्वल रहा और आज मेरिट में आने पर छात्रों ने साबित कर दिया है कि स्कूल में बेहतर शिक्षा मिलती है। उन्होंने कहा कि दोनों ही छात्राएं पढ़ाई में अव्वल रहती थी जिसका आज परिणाम सामने आया है। पहले सबसे पहले बहुत बहुत बधाई मेरिट में आने वाले बच्चों को, उनके माता पिता को और अध्यापकों को और साथ ही साथ स्कूल को। ब्लू स्टार स्कूल पिछले 40 वर्षों से बेमिसाल शिक्षा प्रदान करता हुआ एक बार फिर से अपने एक टैगलाइन को हमने प्रूव किया कि परंपरा हमारी कायम रहती है। एक बार फिर से हमारे बच्चों ने प्रूव किया कि स्कूल एजुकेशन का कोई भी तोड़ नहीं है। स्कूल में जो आप पढ़ाई करते हैं और उसको अगर आप रिवाइज करते हैं प्रॉपरली और घर जाकर उसकी स्टडी करते हैं और अपने एम की तरफ आप कंसंट्रेटेड रहते हैं, आपको उसको पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। स्कूल की जो बच्ची है मैथ में, दोनों नॉन मेडिकल या मेडिकल? दोनों ही नॉन मेडिकल स्ट्रीम की थी, और मैत्री खन्ना और समृद्धि सहगल दोनों ही बच्चियां बहुत ही पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा एकाग्र और अपने आप को डूब के रहने वाली बच्चियां। इन्होंने अपनी पढ़ाई का पूरा फायदा उठाया और अभी हमें आशा है कि आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें भी ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो एक बार फिर से इन दोनों बच्चियों को, इनके माता पिता को बहुत बहुत बधाई हो और स्कूल की तरफ से समस्त प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई कि एक बार बेटियों ने फिर से हमारा सर जो है वो गर्व से ऊंचा कर दिया है। बहुत बहुत बधाई।